Good morning. Our topic is skeletal muscles. नाम से पता चल रहा है कि वो muscles जो कि अपने skeletal system से जुड़े हैं, attached हैं, and that type of muscle उनको हम बोलेंगे skeletal muscles. Skeletal muscles जो है बने हैं और उसके पास है muscle bundles. Number of this is a structure of muscle. ये muscle का एक structure है. इस muscles के अंदर means muscles they have number of bundles. बहुत सारे bundles हैं और वो bundles को हम बोलते हैं muscle bundle और उसका technical term है fascicle. क्या बोलेंगे उसको हम fascicle. ये हमने draw किया है muscle. ठीक है, किससे अटैच है ये? ये अटैच है स्केलेटल से, अपने यानी कि बोन से. दीज मसल्स, जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं मसल बंडल और टेक्निकल टर्म में हमको हम उसे बोलते हैं फेसिकल्स. मसल बंडल दे आर द कॉल्ड एज फेसिकल्स. दीज मसल बंडल्स, इन मसल बंडल दैट कंटेन्स मसल फाइबर्स. अब मसल बंडल के अंदर फाइबर्स हैं एंड दीज फाइबर्स नेम्ड एज मसल फाइबर्स. अब हमको इसका स्ट्रक्चर हमने रेड पेन से इसको लोकेट किया है, दैट इज कॉल्ड एज हमने उसको नाम दिया है मसल फाइबर्स. यानी कि ये मसल का स्ट्रक्चर है, मसल के अंदर मसल बंडल्स हैं, फेसिकल्स बोलते हैं हमको. फेसिकल्स, हर एक फेसिकल्स के पास क्या प्रेजेंट है? मसल फाइबर्स. अब हमको जब कंसीडर करेंगे हम कौन से मसल, एक मसल फाइबर को, ये है हमारा रेड इंक से हम उसको लोकेट कर रहे हैं, दिस इज अ मसल फाइबर. उसको हमने मसल फाइबर नाम दिया. क्या किसमें प्रेजेंट है वो? मसल फैसिक बंडल में, यानी कि फेसिकल में प्रेजेंट है. अब एक पॉइंट हमको यहाँ पे छूट गया है, दैट आर दीज फेसिकल्स. एक फेसिकल, दो फेसिकल, मसल बंडल, नंबर ऑफ मसल बंडल्स आर प्रेजेंट. बहुत सारे मसल बंडल हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं. दे आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कोलेजन टिश्यू. आपस में किससे जुड़े हुए हैं? कोलेजन टिश्यू से जुड़े हुए हैं. उनको हम बोलते हैं फेशिया. जब हम मसल फाइबर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमको दिखाई मिलता है कि दैट मसल फाइबर इट इज कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सार्कोलेमा. दिस इज सार्कोलेमा आउटर कवरिंग एंड दिस इज आउटर कवरिंग. इन दोनों का नाम हम क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा. इन बिटवीन दैट सार्कोलेमा द टू मेम्ब्रेन ऑफ द सार्कोलेमा, किसकी वह है सार्कोलेमा? मसल फाइबर की. इसके अंदर इनक्लोज है एक फ्लूड एंड उस फ्लूड को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म. ग्रीन डॉट से हमने बनाया है उसको, दैट इज द सार्कोप्लाज्म. सार्कोप्लाज्म के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. This is a sarcoplasmic reticulum which is called mainly the storehouse of calcium. Calcium का ये storehouse है और ये help करेगा calcium muscle के contraction और relaxation में, जिससे कि body में movement हो, bone का movement हो. Clear? अब इसके अंदर हमने black color के dots बनाए हैं. These dots they are actually the nuclei. वो के sarcoplasm में अंदर बहुत सारे nuclei present है. एंड दिस कंडीशन, और इस कंडीशन में कि जब बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंसीशियम. क्लियर? दैट इज सेवरल न्यूक्लियाई नेम्ड एज सिंसीशियम. नाउ हियर दैट अब इसके सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है? पैरेलली अरेंज्ड, पैरेलली अरेंज्ड हैं सार्कोलेमा के, पैरेलली अरेंज्ड हैं फाइबर्स, और उन फाइबर्स को हम बोलते हैं मेओफाइब्रिल्स. क्या बोलते हैं इनको हम? मेओफाइब्रिल्स, जो कि पैरेलली अरेंज्ड हैं. नाउ इस मेओफाइब्रिल का अब हमको किसका स्ट्रक्चर पढ़ना है? इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है मेओफाइब्रिल्स का. मेओफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर है लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, क्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, और उसमें दो बैंड्स प्रेजेंट हैं. एक लाइट बैंड प्रेजेंट है और दूसरा डार्क बैंड प्रेजेंट है. ऑल्टरनेटिवली ये बैंड अरेंज होते हैं, लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है. एक्चुअली दिस लाइट और डार्क बैंड जो मेओफाइब्रिल्स किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं. एक प्रोटीन है एक्टिन और दूसरी प्रोटीन है
मायोसिन। तो इस तरीके से हम एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर हम समझते हैं। दोबारा से, दैट इज स्केलेटल मसल है जो कि वॉलेंट्री होते हैं, और ये वॉलेंट्री मसल्स दे कैन वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल, हमारे विल के अकॉर्डिंग है। स्ट्रिप्स में स्टेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, ब्लंट एंड होते हैं, अनब्रांच्ड है, दैट दे आर अनब्रांच्ड, लंबे लंबे हैं और स्टेरिएशंस प्रेजेंट है बीच बीच में से। और ये कैसे मसल्स हैं? दीज आर वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि स्केलेटल मसल है, बोन्स अटैच्ड हैं के पास प्रेजेंट है, सो दे वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल फॉर द मूवमेंट ऑफ अवर हैंड्स एंड और अपेंडिकुलर अपेंडेजेस। क्लियर? इसको फ्लो चार्ट में हम समझा सकते हैं, स्केलेटल मसल जो कि किसके उसके पास मसल बंडल्स हैं, बहुत सारे मसल बंडल्स हैं, और उन मसल बंडल्स को हम वेसिकल्स बोलते हैं जो कि जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से, उन कोलेजन टिश्यू से उसको हम फेशिया बोलते हैं, और मसल्स जो हैं मसल बंडल के अंदर, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर्स प्रेजेंट है, दीज आर द मसल फाइबर्स। और ये मसल फाइबर्स का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसको हमको हमें आउटर कवरिंग उसकी सार्कोलेमा होती है, सार्कोलेमा के अंदर सार्कोप्लास्ट प्रेजेंट है, सार्कोप्लास्ट में सस्पेंडेड है बहुत सारे न्यूक्लिया, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनिक्शियम कंडीशन। और इसके पास सार्कोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्टोर हाउस है कैल्शियम का, हेल्प करता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, जिससे कि बॉडी में बोन्स में स्केलेटन जो है उसमें मूवमेंट हो। सार्कोप्लाज्म में ही पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल्स हैं, जो मायोफाइब्रिल्स जो कि पैरेलली अरेंज थे, और उसमें दो टाइप के बैंड प्रेजेंट है, लाइट बैंड और डार्क बैंड, और जो कि लाइट और डार्क बैंड जो है वो किसकी प्रेजेंस में होते हैं, प्रोटीन के प्रेजेंस में, और वो प्रोटीन के प्रेजेंस में जो कि है एक्टिन और मायोसिन। तो इस तरीके से हम पूरा मसल का स्ट्रक्चर समझते हैं। नाउ द टॉपिक इज एनाटॉमी ऑफ मसल फाइबर्स शोइंग सार्कोमियर। हमने देखा था मसल फाइबर हैं, मसल फाइबर्स के अंदर मायोफाइब्रिल्स हैं, और जब हम मायोफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेंगी जो कि जिसमें कि एक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दिस स्ट्रक्चर। द मायोफाइब्रिल जो कि मसल फाइबर में प्रेजेंट है वो एक डेफिनेट पैटर्न शो करता है, लाइट बैंड डार्क बैंड इस टाइप का। अब वो लाइट और डार्क बैंड किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि उस मसल मायोफाइब्रिल में क्या प्रेजेंट है, दो टाइप के प्रोटीन हैं, एक एक्टिन है और दूसरा मायोसिन है। एक्टिन जो प्रोटीन है वो शो करता है, अपीयरेंस उसकी कैसे होती है, लाइट कलर की, सो दैट्स व्हाई द बैंड इज कॉल्ड एज अ लाइट बैंड, उसको हम बोलते हैं लाइट बैंड, और या फिर आइसोट्रॉपिक बैंड। आइसोट्रॉपिक का आई से हम स्टैंड करते हैं, दैट इज अ आई बैंड। दूसरा बैंड है जो स्टेरिएशन आ रहे हैं जिसकी वजह से, मायोसिन की वजह से, वो मायोसिन जो है वो डार्क है और एन आइसोट्रॉपिक है, तो इस बैंड को हम बोलते हैं ए बैंड, ए स्टैंड्स फॉर दैट एन आइसोट्रॉपिक बैंड। तो इस तरीके से मायोफाइब्रिल्स में स्टेरिएशन आते रहते हैं, और वो स्टेरिएशन किसकी वजह से है, प्रोटीन की वजह से है, लाइट एक्टिन की वजह से और मायोसिन की वजह से डार्क। अब यही लाइट जो प्रोटीन्स हैं वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं लाइक दिस, ये एक्टिन का फिलामेंट है, ये एक्टिन का फिलामेंट है, उससे पैरेलली अरेंज्ड है मायोसिन के फिलामेंट, सॉरी मायोसिन के टाइप की प्रोटीन्स, ये एक्टिन प्रोटीन है, ये कैसे प्रोटीन है, मायोसिन की प्रोटीन है। अब ये जो एक्टिन के एक्टिन प्रोटीन है टाइप की वो शो करती है थिन स्ट्रक्चर, तो इसको हम थिक फिलामेंट भी बोलते हैं, और मायोसिन का जो है स्ट्रक्चर थिक होता है, तो वो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थिक फिलामेंट। ना वन बाय वन हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फर्स्ट कौन सा बैंड है, थिन फिलामेंट बैंड, वो थिन बैंड जो है उसको हम क्या शो कर रहे हैं, आई बैंड से, जो कि कैसा है, आइसोट्रॉपिक है। इस आई बैंड के अंदर इलास्टिक फाइबर्स है, इलास्टिक फाइबर्स को हम बोलते हैं एक लाइन बनाते हैं, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड एज जेड लाइन, और ये प्रोटीन्स जो हैं कैसे अरेंज्ड हैं, पैरेलली अरेंज्ड हैं। जेड लाइन
दूसरा एक्टिन का पार्ट है, बना है मेयोफाइब्रिल का, उस पे भी जेड लाइन प्रेजेंट है। पैरेलली अरेंज्ड को क्या प्रेजेंट है, मायोसिन प्रेजेंट है। मायोसिन के अंदर एक बैंड है, फाइब्रस स्ट्रक्चर है, वो फाइब्रस स्ट्रक्चर जो कि थिन है, बहुत पतला है, और उस लाइन को हम बोलते हैं एम लाइन। क्या है वो, एम लाइन है। और किसमें प्रेजेंट है, ए बैंड में, जो कि ए बैंड एनिसोट्रॉपिक है। किससे बना हुआ है, कौन सा टाइप का प्रोटीन है, ये मायोसिन टाइप का प्रोटीन है। अब इसके अंदर कौन सी लाइन प्रेजेंट है, एम लाइन। अब हम देख रहे हैं कि दैट आई हैव ड्रॉन हियर द एक्टिन, दिस ये एक्टिन प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन है, उसके बीच में मैंने मायोसिन बनाया, एंड दिस मायोसिन इज स्लाइटली ओवरलैपिंग विद द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एक्टिन। एक्टिन से थोड़े बहुत स्लाइटली ओवरलैप करती हुई है, कुछ एरिया ऐसा है जिसमें कि वो ओवरलैप नहीं कर रहा है। जो नॉन ओवरलैपिंग एरिया है, उस नॉन ओवरलैपिंग एरिया को हम बोलते हैं एच जोन। क्लियर, यानी कि इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है आई बैंड में, यानी कि एक्टिन में, एक्टिन के पास कौन सी लाइन है, जेड लाइन है, और मायोसिन के पास कौन सी लाइन, फाइब्रस टिश्यूज हैं जो कि एम लाइन बनाते हैं, और वो कि थिन है, ये थिक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव रिटन हेयर द सार्कोमियर, इसमें सार्कोमियर कहाँ है, हेयर दैट द टू सक्सेसिव जेड लाइन किसमें प्रेजेंट है, ए बैंड में, सॉरी आई बैंड में प्रेजेंट है। एक जेड लाइन यहाँ पे है, एक जेड लाइन यहाँ है। सो द वो पोर्शन, द पोर्शन ऑफ टू सक्सेसिव जेड लाइन, वो पोर्शन जिसमें कि कवर हो रहे हैं दो जेड लाइन, उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। एक जेड लाइन ये है, एक जेड लाइन, तो ये वाला एरिया पूरा मिला के क्या बनेगा, सार्कोमियर। एंड दिस सार्कोमियर इज इम्पोर्टेंट एज इट इज मेड अप ऑफ, क्या प्रेजेंट है उसमें, कैसे फाइबर्स है, इलास्टिक फाइबर्स। यही इलास्टिक फाइबर्स दे हेल्प्स इन शॉर्टनिंग द एक्टिन बैंड और द आई बैंड, क्योंकि हेल्पफुल होता है आई बैंड को शॉर्ट, छोटा करने में, वापस फिर अपनी पोजिशन पे आने में। एंड दैट्स वाई, इसलिए हम इसको जेड लाइन को और द सार्कोमियर, दो सक्सेसिव डिस्टेंस होता है दो जेड लाइन के बीच में, उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। वो सार्कोमियर दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट फॉर कॉन्ट्रैक्शन, मसल के कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शनल यूनिट क्या है, सार्कोमियर। क्लियर, सो इन दिस वे दैट आई बैंड इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर, क्योंकि मसल फाइबर को शॉर्ट करता है, वापस फिर अपनी पोजिशन पे ले आता है रिलैक्सिंग फॉर्म में, एंड दिस हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो इन दिस वे दैट वी हैव दैट टाइप ऑफ मसल फाइबर विच हैज सार्कोमियर। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, अब हमको मालूम है कि मायोफाइब्रिल्स में दो टाइप के प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन। अब इन्हें एक्टिन और मायोसिन किस तरीके से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, और ये आपस में एक दूसरे से कैसे अटैच रहते हैं, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमको मालूम होना चाहिए, किससे बने हैं, इसके पास और क्या क्या सी यूनिट प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखें दैट एक्टिन फिलामेंट विच इज अ थिन फिलामेंट जो कि बना है, ये है स्ट्रक्चर एक्टिन फिलामेंट का, कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें और कितने टाइप के मोनोमेरिक यूनिट्स और पॉलीमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट हैं प्रोटीन्स की। ये है बना है दो फिलामेंटस टाइप के एक्टिन के स्ट्रक्चर है, जिसको हम 2F एक्टिन बोलते हैं, या फिर उसको बोलेंगे क्योंकि दो फिलामेंट है जो कि हेलिकली कॉइल्ड है, अरेंज्ड है एक दूसरे से, तो ये इसको हम बोलेंगे F एक्टिन। एक फिलामेंट F एक्टिन का ये है और दूसरा ये है, ये वाला ब्लैक उसमें बना हुआ है, दूसरा ये वाला, और जो कि हेलिकली अरेंज्ड है। इसके अलावा F एक्टिन एक्टिन के पास दो और फिलामेंट हैं, दैट टू फिलामेंट जो कि दूसरे प्रोटीन से बने हैं, उस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमायोसिन। क्या है, ट्रोपोमायोसिन। एक तो फिलामेंटस एक्टिन है जो कि दो हैं और वो हेलिकली अरेंज हैं, उसी के साथ में एडजेसेंट क्लोज टू दिस एफ एक्टिन
दूसरा प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि नाम बोलते हैं उसको ट्रोपोमायोसिन। रेड कलर से जो बने हैं वो कैसे हैं? ट्रोपोमायोसिन है। तीसरा स्ट्रक्चर पे प्रोटीन भी प्रेजेंट है और वो प्रोटीन जो कि ट्रोपोमायोसिन के पास एक डेफिनेट पैटर्न से अरेंज है, वो प्रोटीन का जो ग्रीन कलर से बने हैं दैट इज नेम्ड एज ट्रोपोनिन। क्लियर? यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। फर्स्ट प्रोटीन जो है एफ एक्टिन है, फिलामेंटस है, हेलिकली अरेंज है, उसको स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एफ एक्टिन। और दूसरा फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि ट्रोपोमायोसिन है, बिल्कुल एडजेसेंट है एफ एक्टिन के पास। और तीसरा ट्रोपोनिन है जो कि ये ट्रोपोनिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और ये प्रोटीन जो कि क्या काम करता है, एट द रेस्टिंग स्टेट इट मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन। यही ट्रोपोनिन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मास्क करता है, कवर करता है किसको, मायोसिन के एक्टिव साइट पे प्रेजेंट और अपने आप को कवर करके रखता है रेस्टिंग स्टेज पे। इस तरीके का स्ट्रक्चर किसका होता है? एक्टिन फिलामेंट, जो कि थिन फिलामेंट है। दूसरा प्रोटीन हमारे पास है मायोसिन प्रोटीन जो कि बनाता है थिक फिलामेंट एंड दैट हैज अ नंबर ऑफ, इसमें तो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन था, ट्रोपोमायोसिन था, एफ एक्टिन था, बट हियर द सिंगल प्रोटीन इट फॉर्म्स अ मोनोमेरिक नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट एंड इट फॉर्म्स अ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज मेरोमियोमाइसिन। अगेन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेरोमियोमाइसिन मायोसिन एंड दैट हैज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। उसके दो पार्ट हैं, दिस इज अ ग्लोबुलर पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज हेड। कैसा पार्ट है? ग्लोबुलर पार्ट है, उसको हम हेड बोलते हैं। और साथ में दो साइट प्रेजेंट है इसके हेड रीजन में, वो साइट जो कहलाती है एक्टिव बाइंडिंग साइट। दिस इज दीज टू एक्टिव बाइंडिंग साइट यहाँ पे प्रेजेंट है और दूसरी है साइट है उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट, जो इसमें क्या प्रेजेंट है दैट इज इट इज अ एटीपी बाइंडिंग साइट। दिस इज एटीपी बाइंडिंग साइट, कौन से रीजन में प्रेजेंट है? वो रीजन है हेड रीजन। हेड रीजन कंटिन्यू करता है एक शॉर्ट, दो आर्म बनाता है और वो उस आर्म को जो कि आपस में एक दूसरे से क्रॉस होते हैं दैट रीजन इज कॉल्ड एज क्रॉस आर्म। क्लियर? सो हेड और क्रॉस आर्म जो है वो मिलके बनाते हैं हेवी मेरोमायोसिन दैट इज HMM, हेवी मेरोमायोसिन। शॉर्ट आर्म और टेल जो होते हैं वो शॉर्ट लाइट मेरोमायोसिन कहलाते हैं, लाइट मेरोमायोसिन। हेड रीजन और शॉर्ट आर्म ये आउटवर्डली प्रोजेक्ट रहता है मसल फाइबर से और ये स्ट्रक्चर मिला के क्या बनता है, मायोसिन का टोटल स्ट्रक्चर बनता है। तो ये दो प्रोटीन एक्टिन और द मायोसिन, ये दोनों प्रोटीन मिलके मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट दैट हाउ दीज ट्रोपोनिन एंड दे साइट्स, एक्टिव साइट्स एंड एटीपी बाइंडिंग साइट, दे हेल्प्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड द थ्योरी इज नेम्ड एज, वो थ्योरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंटस theory which is based on the contraction of actin and the myosin filament, thick and thin filament. Thank you.